हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हो। तो एक और नया दिन, और अभी टाइम हुआ है 3:30 और बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो गाड़ी में भी एसी चला के बैठा हूँ। तो मैंने अपनी पहली वीडियो में अपनी जो इंट्रोड्यूस किया था अपने आप को, उस वीडियो में मैंने सप्लीमेंट्स के बारे में बात करी थी कि मैं प्री वर्कआउट लेता हूँ C4 कंपनी का, और मैं प्रोटीन पीता हूँ ये XYZ कंपनी का। तो कुछ लोगों के माइंड में डाउट होंगे और कुछ लोगों के माइंड में डाउट थे, उन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और मुझे पर्सनली भी मुझसे पूछा कि अगर हम लोग नहीं यूज़ करते हैं सप्लीमेंट, तो बेसिकली सप्लीमेंट वर्ड का मतलब ये होता है कि आप अगर अपनी नेचुरल डाइट से, अपनी नॉर्मल डाइट रूटीन से अगर आप कोई भी चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो आप सप्लीमेंट्स लो। मतलब कोई भी XYZ चीज़ें, सपोज़ करो आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आप 10th क्लास में हो, और कुछ लोगों को फर्स्ट आने के लिए और कुछ लोग नॉर्मल आने के लिए, सब लोग एक साथ ही, सबका सिलेबस एक ही होता है, बट कुछ लोग जिनको फर्स्ट आना होता है उन लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा एफर्ट्स दिखाने पड़ते हैं बेटर बनने के लिए उन सब लोगों से जो एवरेज लोग हैं। तो सेम होता है प्री वर्कआउट में और प्रोटीन में, कि मेरे को कोई स्पेसिफिक गोल है मेरी लाइफ में, मुझे उसको अचीव करना है, तो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं नॉर्मल डाइट से, नॉर्मल उन चीज़ों से कम्पीट नहीं कर पाऊँगा किसी भी बड़ी चीज़ के लिए। तो नेक्स्ट ईयर मैं क्रॉसफिट गेम्स के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे को क्रॉसफिट गेम्स खेलने का मेरा मन है, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगा। आई एम नॉट सेइंग कि मैं 1 साल के अंदर जीत जाऊँगा, लोग 10-10 साल लगे रहते हैं तब भी नहीं जीतते, तो इस वजह से मैं सप्लीमेंट यूज़ करता हूँ। आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, तो आप लोग सप्लीमेंट्स को की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज नॉर्मल कैफीन लो, कॉफ़ी की तरफ, कॉफ़ी से ले सकते हो आप कैफीन, और नॉर्मल अपना खाना पीना रखो। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इंट्रा वर्कआउट में, मतलब वर्कआउट के बीच में, हम लोग, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर BCAA लेना चाहिए या XYZ चीज़ें, 300 रुपये का, 500 रुपये, मतलब 100 रुपये की स्कूप सबसे कम जो पड़ता है, दैट इज़ लाइक 100 रुपीज़ फॉर वन स्कूप। तो उसमें 24-25, मतलब ऐसे जितने भी ले सकते हो आप, हर तरह का, आजकल पैकिंग्स आ चुकी हैं। बट मैं उनली लोगों को रेकमेंड करता हूँ जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, फॉर लाइक BCAAs एंड ऑल। BCAA का मतलब होता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, ठीक है? मतलब कोई चीज़ है, ओके, मतलब किसी चीज़ के लिए, मैं किसी चीज़ को गलत नहीं बता रहा कि ब्रांच चेन अमीनो एसिड खराब चीज़ है या अच्छी चीज़ है, बट मैं उसका अल्टरनेटिव देता हूँ आज आप लोगों को। अभी मार्केट में जाते हैं, खरीदते हैं, और आज वर्कआउट के बीच में पियेंगे उसको। आज हमारा है पुश वर्कआउट, चेस्ट की एक्सरसाइज होगी जिसमें, और डेल्टॉइड और शोल्डर की एक्सरसाइज होगी, तो वो भी एक्सरसाइज दिखाऊंगा आप लोगों को, और एक्सरसाइज के बीच में जो पियूंगा वो भी बताऊंगा उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, क्या चीज़ है, और बहुत ईजिली अवेलेबल मार्केट में, कोई भी खरीद सकता है और काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो होप आप लोगों को वो चीज़ अच्छी लगी। तो वो जो इंट्रा वर्कआउट की चीज मैं बता रहा था वो ये है, इलेक्ट्रॉल, ये आप पानी में डाल के पी सकते हो। आप या तो ये वाला फ्लेवर ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो ऑरेंज फ्लेवर, अगर आपको थोड़ा टेस्ट और अच्छा चाहिए, बाकी टेस्ट बहुत अच्छा होता है, आप एक्सरसाइज के बीच में पी सकते हो, डिहाइड्रेशन नहीं होगी आपको वर्कआउट के बीच में। सो आज इसको ट्राई करते हैं, और उसके मैं बताऊंगा कि आज मैं फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ ऑरेंज वाला, तो आई विल टेल यू कि कैसा है इसका टेस्ट। और अब चलते हैं जिम में, चलो। I begin to
तो अब करेंगे थोड़ा सा वार्म अप ट्रेडमिल पे, कार्डियो। आज देखते हैं 3 किलोमीटर कितनी देर में होती है। सो स्टार्ट करते हैं, चलो ख़त्म होने के बाद मिलते हैं। तो जब हम लोगों ने पहले दिन इंट्रोडक्शन किया था तो हम लोगों ने 25 मिनट में 3 किलोमीटर बर्न करा था, 3 किलोमीटर भागे थे 25 मिनट में। और आज एक हफ्ते के बाद टाइम हो गया 22 और किलोमीटर हो गए 3। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी कि मैंने एक हफ्ते के अंदर 3 किलोमीटर को 22 मिनट में किया है, जो कि मेरे पास जो टाइम था दैट वॉज 25। तो 3 मिनट कम, और मेरा जो टारगेट है उसको 15-16 या मैक्सिमम 17 तक वापस लेके आने की है 3 किलोमीटर को। तो आने वाले हफ्तों में शायद वो गोल बहुत जल्दी अचीव कर लूँ मैं। सो अब करते हैं पुश एक्सरसाइजेस, पहले करेंगे पुशअप्स बहुत सारी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जितनी भी फ्लाइज होंगी सबसे उनसे स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम रेपिटेशन तक करेंगे। काउंट नहीं करेंगे जब तक मसल फेलियर नहीं होती, जब तक करेंगे सब फ्लाइज करेंगे पहले जितनी भी हैं। पहले हम लोग कर रहे हैं केबल फ्लाई, इसके बाद हम लोग वेरिएशन चेंज करेंगे नीचे से करेंगे, उसके बाद पैक डेक फ्लाई। तो इसके बाद वाली एक्सरसाइज देखना, बट अभी चेक द फॉर्म। नीचे वाले केबल फ्लाई नीचे से उसकी ग्रिप चेंज करेंगे, जो नीचे से हम ग्रिप उठाते हैं वो मैक्सिमम हमारा अपर चेस्ट के ऊपर थोड़ा लोड ज़्यादा डालता है। अगर हम ऊपर से नीचे लेके जाते हैं तो वो होल चेस्ट पे डालता है इफेक्ट, अपर चेस्ट एंड द मिडल चेस्ट। तो अब हम करते हैं नीचे वाले उससे चेक द फॉर्म। अब हम करेंगे लोग पैक डेक फ्लाई। सबसे बड़ी गलती जो सब लोग इस एक्सरसाइज में करते हैं, टोज पे ले आते हैं अपनी सीट को, इतना ऊपर उठा लेते हैं कि टो पे रहती है सारी बॉडी। हम लोगों को करना क्या है, नीचे रखना है हमारे जो शूज़ हैं, हमारा बेस वो क्लियर होना चाहिए, हरदम ज़मीन पे होना चाहिए, और फिर हमको लिफ्ट करना है। अब चेक द फॉर्म। तो इस एक्सरसाइज का नाम है इंक्लाइन मशीन प्रेस। तो इसमें भी हम लोग इंडिविजुअली अलग अलग लेफ्ट हैंड से अलग वेट उठा सकते हैं और राइट हैंड से अलग वेट उठा सकते हैं। तो इसके फॉर्म एंड टेक्निक देखिए, तो कौन से मसल पे लोड ज़्यादा पड़ता है, जस्ट चेक इट आउट।
तो अगर मेरी लास्ट वीडियो में आवाज़ नहीं आई है तो उस ऑडियो में मैं उस वीडियो में मैं ये बोल रहा था कि अगर आप लोगों को अपनी चेस्ट मसल को मैक्सिमम इन्हेंस करना है, अगर अच्छे से सबसे अच्छी, अगर आपको कोई एक्सरसाइज मुझसे पूछो कि भाई चेस्ट की सबसे अच्छी एक्सरसाइज कौन सी है, पुश मूवमेंट में सबसे बेस्ट और सबसे टॉप क्लास एक्सरसाइज कौन सी है, तो वो है बेंच प्रेस। जो इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा, मेरी ऑडियो शायद नहीं आ रही उसमें, तो यही बोल रहा हूँ मैं उसमें कि सबसे बेस्ट अगर आपको अपनी चेस्ट को अगर बिल्ड करना, अपनी मसल्स को सबसे बेस्ट फॉर्म में लेके आना है, तो सबसे बेसिक एक्सरसाइज दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल पुशअप्स। अगर आप पुशअप्स नहीं कर पा रहे हो तो आप उसमें वेट उठा के अगर धीरे धीरे 10-15-20 केजीज अगर कर रहे हो तो दैट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज एवर फॉर द चेस्ट मसल टू ग्रो। सो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं इंक्लाइन डंबल प्रेस। तो जिम में जितना भी वर्कआउट किया था वो गैप ख़त्म, अब चलते हैं घर। तो जिम से ख़त्म होते ही मैंने ले लिया है प्रोटीन और आज कहीं पे जाना है, अगर वहाँ पे पॉसिबल हुआ शूट करना तो आप लोगों को दिखाऊंगा। एक दोस्त का बर्थडे है और अगर नहीं शूट कर पाया तो वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और जितने भी लोग प्यार दिखा रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करके, अगर कुछ कर रहे हैं मेरे को प्रमोट कर रहे हैं, या फिर बाकी जो भी लोग वीडियोस को देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि मेरी स्टार्टिंग की जर्नी में आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को, और आप लोगों को एक दिन ज़रूर प्राउड फील कराऊंगा। थैंक यू।